प्रकाश शाह हमेशा अपने हार्ड सब्जेक्ट पॉलिटिक्स फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी राजनीति, गंगाजल, अपहरण जैसी फिल्में हमेशा सरकार और उसकी असलियत को दर्शाने वाली होती हैं। अब प्रकाश शाह एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसकी खबर जरा अनोखी है। खबर यह है कि उनकी आने वाली फिल्म उनकी पिछली फिल्मों की तरह नहीं होगी, ये फिल्म लूटपाट पर आधारित होगी। अब प्रकाश झा कोई ड्रामा या मसाला फिल्म बनाने से तो रहे, इसलिए ये फिल्म सरकार पर नहीं तो लूटपाट जैसी कहानी पर आधारित होगी। खबर ये भी है कि फिल्म की तैयारियां जोरों पर हैं और उन्होंने फिल्म के लीड के लिए संजय दत्त और सिद्धार्थ मल्होत्रा को चुन लिया है। संजय दत्त हर जोनर की फिल्म में अच्छे लगते हैं, वहीं सिद्धार्थ ने भी एक विलन और अयारी जैसी फिल्म देकर ये साबित किया है कि वो चॉकलेटी बॉय से बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं। संजय को फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और इस वर्ष के अंत तक इस फिल्म का काम शुरू होने की संभावना है।